शिवम एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या कुछ और रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड दे रखा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, है ना? इधर कुछ दे रखा है क्या, कुछ काम का दे रखा है? अगर काम का दे रखा है तो क्या होगा इधर? हाँ ग्रेनेड होगा, ग्रेनेड रिएजेंट होगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का कि एसिड बेस रिएक्शन का? बोलो बोलो, एसिड बेस रिएक्शन का रिएक्टिविटी ज्यादा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का? एसिड बेस का। ऑब्वियसली बात है एसिड बेस का, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन वाला पार्ट काफी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है। तो अगर एसिड बेस का रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब हम लोगों का, अगर 1 मोल लेके चलते हैं, और वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था 1 मोल, बट चलो ठीक है, अगर 1 मोल लेकर के चलते हैं तो ऊपर वाले पार्ट पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नीचे वाले पार्ट पे रिएक्शन होगा। यहाँ का H प्लस हटेगा, और जब H प्लस हटेगा तो O माइनस बनेगा, और O माइनस के साथ MgBr चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस दे रखा है, अगर हाइड्रोलिसिस दे रखा है तो वाटर के प्रेजेंस में जितने भी मेटल और ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं सब ब्रेक होते हैं, इस केस में आराम से OH का फॉर्मेशन होगा। तो पहले स्टेप में ऊपर वाले पार्ट पे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता था, जबकि नीचे वाले पार्ट पे एसिड बेस रिएक्शन होता, और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद O माइनस बनता, O माइनस फिर से H प्लस के साथ कंबाइन करके वही प्रोडक्ट बना देता। तो जो रिएक्टेंट है वही अपना प्रोडक्ट है, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट वाला पार्ट ही अपना प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना इस सवाल का, हमेशा एक क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो रिएक्टिविटी का कंसिडरेशन बहुत ही मस्ट होता है ध्यान रखने के लिए। अब रिएक्टिविटी जो भी दे रखा है उसको सोचते हुए काम करना है, जो ज्यादा रिएक्टिव पार्ट है पहले उसी पे रिएक्शन कराएंगे, तब दूसरे वाले पार्ट पे रिएक्शन कराएंगे, और इस तरह की चीजें बहुत ही कॉमन है जो अपने को ध्यान रखनी होती है। वर्कशीट में और किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई डाउट है वर्कशीट में तो पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 में एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है, यहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर है जबकि यहाँ साइक्लिक रिंग है। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में, जब भी कभी प्रोडक्ट में ओपन चेन के जगह एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा ही होगा। इसका प्रोडक्ट तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो मेंशन कर चुके थे हम, कि सबसे पहले कीटोन और एल्डिहाइड वाले पार्ट में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए इस पर रिएक्शन होगा, जैसे ही एल्डिहाइड पे रिएक्शन हुआ तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस केस में इस कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफाइल है और इसी कंपाउंड के अंदर हम लोगों के पास इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो न्यूक्लियोफाइल इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा करके आराम से रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो यहाँ कार्बन वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, तो कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और ऑक्सीजन वाला पार्ट दोनों कार्बन से अटैच है, ये कार्बन से अटैच है इसी अटैच होगा, ऑक्सीजन को मिला करके एक 6-membered रिंग बनेगा, तो 6-membered रिंग का फॉर्मेशन हुआ। उसके अलावा फिर हम लोग कार्बन चेन वाले पार्ट को अटैच करके आराम से जो भी स्ट्रक्चर बनाना है बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें डाउट होना तो नहीं चाहिए, और बाकी जैसा जैसे आगे हम लोग का रिएक्शन जाएगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देखते देखते यूज्ड टू हो जाएंगे हम लोग का इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसे होता है। अगर कोई डाउट है फर्दर तो बुकलेट में डाउट पूछ सकते हैं, बोलते जाओ बुकलेट में जो भी डाउट है, पहले एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में बोलो कोई अगर डाउट है तो। बोलते जाओ भाई शक्तिमान, बुकलेट में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है बुकलेट में किसी को? एक्सरसाइज 3 में सर। एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट नहीं है? चलो एक्सरसाइज 2 वाला पार्ट, एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट है किसी को बुकलेट में? 104 एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 104, एक मिनट, 104 में डाउट है जी,
नाउ इट इज अ बीएस सवाल क्या 18 वाला सर अरे 105 छोड़ देना 105 में एवरेज रिएक्शन दे रखा है इस चीज को छोड़ देना अभी के लिए इसको ट्राई मत करना 105 वाले पार्ट को बाद में सॉल्व करेंगे वही इसका ध्यान नहीं दिया हां ठीक है इस चीज को अभी के लिए छोड़ देना 105 के अलावा कोई डाउट 105 छोड़ दो इसके अलावा एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 वाले पार्ट में गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग तो इस केस में अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर का कंसिडरेशन लेके चलते हैं तो एसिटोफिनोन वाले पार्ट को PHCHO और PHCH एसिटोफिनोन में CH3 वाला पार्ट हो जाएगा तो इसमें एक तो ये चीज थोड़ा कंसिडरेशन ध्यान रखना है क्लोरल मॉलिक्यूल वाला पार्ट जैसे ठीक है इस ऑप्शन वाले पार्ट के हिसाब से अगर हम काम करें जैसे क्लोरल वाला जो मॉलिक्यूल दे रखा है इसका ऑर्डर हम लोग मेंशन नहीं कर रखे हैं लेकिन क्लोरल का मतलब होता है जैसे CCl3CHO दे रखा तो CCl3CHO वाले पार्ट में ये कंपाउंड काफी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है इनफैक्ट नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है तो इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर वाला पार्ट काफी हाई होगा जिसकी वजह से रिएक्टिविटी हाई निकल के आता है बट चलो ठीक है मान लिया एक पल को कि हमको नहीं पता रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए तो इस केस में हम एक काम करते हैं जैसे ऑप्शंस में डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है तो रिलेटिवली कंपैरिजन करना आसान भी होगा प्रॉब्लम एक ही चीज का आएगा जैसे HCHO जो है ये तो PHCHO और एसिटोफिनोन इनसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा क्योंकि एसिटोफिनोन का मतलब हो गया एक तरफ बेंजीन रिंग और एक तरफ CH3 तो इस केस में एक कंपाउंड दे रखा अपने पास पीएच के साथ CHO उसके अलावा HCHO तो इन तीनों में फिक्स है कि हम लोगों का स्ट्रक्चर नंबर 2 वाला पार्ट और स्ट्रक्चर नंबर 4 वाला पार्ट स्ट्रक्चर नंबर 2 वाले पार्ट में हम लोगों का 2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 4 ये हम लोग का बिल्कुल फिक्स है बट जो क्लोरल मॉलिक्यूल है ये क्लोरल मॉलिक्यूल वाले पार्ट के CCl3 की वजह से कितना माइनस आई इफेक्ट लगेगा वो एक्चुअल में CCl3 काफी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो रिएक्टिविटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है तो इस केस में क्लोरल मॉलिक्यूल वाले पार्ट को हम लोग कैसे कंसिडर करें तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से अगर कंसिडरेशन लेके चले तो सेकेंड नंबर वाला पार्ट फोर्थ नंबर से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ये मालूम है वन नंबर वाला पार्ट HCHO 2-4 से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ये बिल्कुल फिक्स है उसके अलावा जो क्लोरल मॉलिक्यूल है CCl3CHO इसमें भी माइनस आई इफेक्ट वाला पार्ट है ये भी बाकी दोनों से काफी ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए तो एक चीज पता है अपने को कि 3 वाला पार्ट 2 और 4 से ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 वाला पार्ट भी 2 और 4 से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो पहले ऑप्शन वाले पार्ट में 3 और 1 2 और 4 से ज्यादा रिएक्टिव है ये ऑप्शन हो सकता है दूसरे वाले केस में 4 वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव है ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकता इसको हटा देते हैं हम लोग थर्ड वाले केस में 2 और 4 फिर 1 और 3 वाले पार्ट से ज्यादा रिएक्टिव दे रखा है ये ऑप्शन हो सकता है और फोर्थ वाले केस में हम लोग 3, 1, 4, 2 ये वाला पार्ट भी हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं अब अगर इन दोनों में कंपेयर करें हम लोग PHCHO और एसिटोफिनोन तो PHCHO और एसिटोफिनोन वाले पार्ट में हम लोग का जो बेंजल्डिहाइड है PHCHO वो ज्यादा रिएक्टिव होगा इसका मतलब 2 वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए एज कम्पेयर टू 4 तो ऐसा ऑप्शन तो अरे भाई दो जगह दे रखा है तो कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है पहला ऑप्शन आंसर होगा क्लोरल मॉलिक्यूल वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू बट लेकिन सवाल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोला है अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से बात करें तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर तो CCl3 में ज्यादा है फॉर्मल्डिहाइड में कम है पहला चीज बट सवाल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोला है केवल हाँ ठीक है माइनस आई इफेक्ट वाला पार्ट और माइनस हाइपर कंजुगेशन के ही इफेक्ट को लेंगे एक बार हम इस ऑर्डर को चेक कर लेंगे और तुमको ध्यान नहीं है बट मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 वाला पार्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि क्लोरल मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है ऐसा हम कहीं सुने हैं तुमको ध्यान नहीं क्लोरल मॉलिक्यूल वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल्डिहाइड एक बार हम कंफर्म कर लेंगे इस चीज को बाकी आंसर क्या दे रखा है इसका क्वेश्चन नंबर 37 में ए सर ए ऑप्शन
हाँ ठीक है, मतलब क्लोराइड मॉलिक्यूल हम सुने तो हैं, बट हम एक बार कंफर्म कर लेंगे इस चीज को कि ऐसा ऑप्शन सही है कि गलत है, एक बार देख लेते हैं आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा सीक्वेंस दे तो नहीं रखा है जहां तक हमको ध्यान है, इसलिए कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर कंसिडर करते हैं और साथ ही साथ हम लोग फिर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, इसे हम रिलेट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन वाले पार्ट का आंसर अभी क्वेश्चन रहने दो, इस चीज को हम एक बार कंफर्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा, 14 एक्सरसाइज 3 का ही 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कैसे डाउट हो सकता है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसेंटूरी एक्टिविटी, 2 वाला पार्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद 1 वाला पार्ट, उसके बाद 4 वाला पार्ट, फिर 3 वाला पार्ट, ये तो नोट कॉपी में लिखवाया है तुम लोगों को, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, माइनस एम इफेक्ट वाला पार्ट और ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट को रेजोनेंस से और माइनस एम दोनों से स्टेबलाइज कराएगा, ये तुम्हारे सीक्वेंस में सबसे लास्ट पार्ट एस एन टू में सबसे लास्ट इस चीज को लिखवाया है, थ्योरी वाले पार्ट में इसको रटना है, इसीलिए तो सबसे लास्ट लिखवाया है, उसको अलग से याद रखना है, इस सीक्वेंस को याद ही रखना है, तो उसको हम रिलेट नहीं कर सकते, लॉजिक दे रहे हैं हम लोग लेकिन उसको एग्जाम में रिलेट नहीं कर पाएंगे, हम लोग रिलेट केवल इन सबको कर सकते हैं, इन 3 पार्ट को रिलेट कर सकते हैं, पहले ये सेकंड वाले पार्ट को रिलेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा रिएक्टिव सेकंड वाला पार्ट होगा, फिर 1 वाला पार्ट होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर की वजह से, फिर 3 वाला पार्ट और 4 वाला पार्ट, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3 ऐसा कुछ ऑर्डर होना चाहिए, ऑप्शन सी आंसर कंसिडर करेंगे, ये नोट कॉपी में लिखा रखा है, कॉपी में लट के देखो। और कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 का 80 नंबर एक्सरसाइज 2 के 80 नंबर वाले पार्ट में ब्यूटेन टू ऑल ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज, तो ठीक है पहला ऑप्शन तो ठीक ही दिख रहा है, CH3 के साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच ले रखे हैं और इसका रिएक्शन C2H5MgBr के साथ करा रहे हैं, तो आराम से कार्बन इस पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, तो जिस कार्बन पे हम लोगों का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस पे ये 2 कार्बन वाला पार्ट एडअप होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर दो, तो ब्यूटेन टू ऑल का फॉर्मेशन हो गया, ऑप्शन ए कंसिडर कर सकते हैं। अगर सेकेंड वाले ऑप्शन को कंसिडर करेंगे हम लोग, तो सेकेंड वाले केस में 4 कार्बन दे रखा है और एक CH3 ऐड होगा, तो इसका मतलब 5 कार्बन हो जाएगा, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, वैसे ही हटा देते हैं इस चीज को। थर्ड वाले केस में 3 कार्बन दे रखा, चौथा कार्बन ऐड होगा, मे भी आंसर हो सकता है। फोर्थ वाले केस में भी 3 कार्बन दे रखा, चौथा कार्बन ऐड होगा, ये भी आंसर हो सकता है। अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन को कंसिडर करेंगे, ऐसा कुछ कंपाउंड दे रखा है सी डबल बॉन्ड ओ सी एसीटोन वाला पार्ट, इसका रिएक्शन जब हम लोग CH3MgBr के साथ कराएंगे, तो CH3MgBr में कार्बन वाला पार्ट इस कार्बन पे ऐड होगा, तो प्रोडक्ट बनाते वक्त जो हम लोगों का ये ग्रुप है उसपे 2 कार्बन था, इस पे 1 कार्बन ऐड करेंगे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट को OH में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ब्यूटेन टू ऑल का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। और लास्ट वाले केस में HCHO दे रखा है और HCHO वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग इस कंपाउंड के साथ करा रहे हैं जहाँ पे बीच वाले कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, जब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो इस केस में ये बीच वाला कार्बन यहाँ पे ऐड होगा जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट दे रखा है, तो इस केस में ये भी पार्ट हम लोगों का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो इसमें कन्वर्ट होगा, ब्यूटेन टू ऑल का फॉर्मेशन नहीं होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन होगा, ये भी आंसर अपना नहीं हो सकता है। और कोई डाउट क्वेश्चन बुकलेट में, जल्दी बोलो बुकलेट में और कोई डाउट किसी को, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मूव करेंगे आराम से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोगों का अगला जो रिएक्शन है SNA रिएक्शन, इस चीज का डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पार्ट के बाद, कॉपी में हेडिंग डाल दो SNA रिएक्शन, एक मिनट, लेक्चर नंबर 34 SNA रिएक्शन, या इसी चीज को हम लोग SNTH रिएक्शन भी बोल सकते हैं,
हेडिंग डाल देना कॉपी में। और हम लोग रिएक्शन पहले देख चुके हैं, बस उसी का हम लोग प्रॉपर मैकेनिज्म का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो हेडिंग है उसी में नीचे मेंशन कर लेना रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ये पार्ट हम लोग वर्ड यूज कर चुके हैं, एसिड डेरिवेटिव क्या होता है हम लोग दो क्लास पहले यूज कर चुके हैं। बस ये है कि SNA रिएक्शन होता क्या है, SNTH रिएक्शन होता क्या है, इसका भी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग असाइलेशन वाला पार्ट डिस्कशन कर रहे थे। तो बट उसमें बस एक छोटा सा पार्ट ये था कि हम लोग उसी डिस्कशन वाले पार्ट में हम लोग मैकेनिज्म में फैक्टर्स वाले पार्ट क्या क्या होते हैं इन सब चीजों का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे थे। हम लोग केवल इतने पार्ट का डिस्कशन किए थे कि हम लोग का स्टेप क्या था। बट इस केस में अब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, स्टीरियोआइसोमरिज्म का पार्ट है कि नहीं है, वो सब सारी की सारी चीजों का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। जिसमें मान लो सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं, तो एसिड डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि एसिड वाले पार्ट में इस OH ग्रुप वाले पार्ट को यहाँ से हटा करके हम लोग अगर कोई भी ग्रुप लगा दे, तो ग्रुप को लगाने का मतलब है कि ग्रुप वाला पार्ट आइदर हम लोग के पास OR ग्रुप हो सकता है या फिर पहले हम लोग हैलोजन ले सकते हैं। ये ग्रुप वाला पार्ट हैलोजन हो सकता है या ग्रुप वाला पार्ट OR हो सकता है जिससे ईस्टर बनेगा। अगर हैलोजन हुआ तो उस केस में असाइल हैलाइड या फिर इसी चीज को हम लोग एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में। जब OR वाला पार्ट बनेगा तो इस चीज को हम लोग ईस्टर बोला करेंगे। जब OC डबल बॉन्ड OR मतलब एसिटाइल टाइप का ग्रुप अगर ऐड होगा तब इस केस में हम लोग का एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट वाले केस में हम लोग NH2 वाला पार्ट मेंशन कर सकते हैं, वहां पे हम लोग अमाइड मेंशन करते हैं। ऑल्दो एक चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग अमाइड वाले पार्ट में हमेशा 3 डिग्री अमाइड लेकर के चलेंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले पार्ट में एसिड बेस रिएक्शन होता है, इसलिए उस चीज को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हम लोग। और इसमें भी हम एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं इसमें ऑर्डर वाले पार्ट का, इस ऑर्डर को इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि ये पार्ट आगे भी अपने को याद रहे। बेसिकली जब हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर वाले पार्ट में हम लोग एनहाइड्राइड वाले पार्ट को पहले रखा करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ईस्टर की बात करते हैं, क्योंकि जब हम आगे रिएक्टिविटी वाले पार्ट को कंपेयर कराएंगे तो पता चलेगा उसमें असाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद ईस्टर और सबसे लास्ट में अमाइड वाला पार्ट हम लोग कंसिडर किया करते हैं। बस ध्यान एक चीज का रखना है कि अमाइड 3 डिग्री होना चाहिए, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइड हुआ तो हम लोग का एसिड बेस रिएक्शन होगा जो कि काफी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा, काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो सकता है। अगर हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन और यहाँ पे हम आर डैश ले लेते हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट को नहीं यूज कर रहे, यहीं पे आर डैश मेंशन कर देते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम लोग आर एमजीएक्स के साथ कराएंगे तो उस केस में हम लोगों का 2 स्टेप में रिएक्शन हो सकता है। एक स्टेप में जब हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में केवल हम 1 मोल लेकर के चल रहे हैं। अगर 1 मोल का रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का जो आरडेस वाला पार्ट है वो वैसे ही रहेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट उस कंपाउंड के ऊपर ऐड हो जाएगा, जो ग्रुप है वो हट जाएगा। कैसे हटेगा हम लोग बाद में आएंगे उस केस में। लेकिन जब हम लोगों का 1 मोल रिएक्शन होगा तो 1 मोल रिएक्शन होने पर एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद जब हम लोग दूसरा RMGX के साथ रिएक्शन कराएंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे, तब उस केस में हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट में, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि एल्डिहाइड कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो आर डैश पहले से था, कार्बन चेन का आर ग्रुप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ से आया था वो भी रहेगा, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको OH में कन्वर्ट कर दो और इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस आर वाले ग्रुप को ऐड कर दो, उस केस में हम लोगों का आराम से अल्कोहल वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ये हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मिनिमम 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और मैक्सिमम 3 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलने वाला है क्योंकि उससे पीछे कुछ एक रीजन होगा, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो आराम से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एसिड डेरिवेटिव पे रिएक्शन कराते हैं तो 2 बार में रिएक्शन होगा, जिसमें पहली बार का रिएक्शन होगा तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, अगर एल्डिहाइड बना तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अगर कीटोन बना तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा।
अगर हम लोगों का एल्डिहाइड कीटोन पे फिर से वन इक्विवेलेंट रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तब उस केस में हम लोगों के अल्कोहल ग्रुप का फॉर्मेशन आराम से हो सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहले रिएक्शन नोट करो, मैकेनिज्म की बात करेंगे, फिर उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज पे। नोट कर लो। अगर कभी भी सवाल दे रखा होगा ग्रिग्नार्ड की ये एसिड डेरिवेटिव का, तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि एसिड डेरिवेटिव के सवाल में हम लोगों का एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कि दो इक्विवेलेंट है। अगर एक इक्विवेलेंट है तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पे रखेंगे, अगर दो इक्विवेलेंट या दो मोल दे रखा तो फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मैटर करेगा, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। मैकेनिज्म ऑल दो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी वापस से एक बार डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम लोगों का एसिड डेरिवेटिव दे रखा होगा और इसका रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, तो उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल है आर माइनस, और जिस कार्बन से या फिर जिस एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, पांचवी बार रिपीट करें इस चीज को, जिस एटम से हम लोग का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पाई बॉन्ड से अटैच है वो अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। तो आराम से कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, आर माइनस इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हटा सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में आर डैश के साथ कार्बन अटैच है जिसके ऊपर एक ग्रुप प्रेजेंट है, और वो ग्रुप वाला पार्ट ऊपर के चार ग्रुप में से कोई एक है, बेसिकली एक लिविंग ग्रुप है चारों में से कोई भी पार्ट। इसके ऊपर एक कार्बन चेन ऐड हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ से और O- का फॉर्मेशन हुआ। इसी O- के साथ MgBr को प्लेस कर सकते हैं, पहला स्टेप। फिर एक चीज हम लोग पहले डिस्कस किए थे जब SOCl2 के साथ रिएक्शन हुआ था, जब भी कभी एक एटम के ऊपर हम लोगों के पास नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक एटम के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है और उस पर एक लिविंग ग्रुप है, तो हमेशा इस तरह के केस में न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटाएगा। जब भी कभी किसी एटम के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा और एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है, तो आराम से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटाएगा, और अगर लिविंग ग्रुप को हटाया तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन वाले पार्ट पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, उसके अलावा हम लोग का यहाँ पे आर डैश और उसके अलावा एक आर वाला ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, जैसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं सबसे पहला चीज। बट इतने से काम हम लोगों का खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि इतने रिएक्शन होने के बाद हम लोग का अभी एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट बन करके आया है, तो इसके बाद अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन की बात करें तो आराम से रिएक्शन करा सकते हैं। आर के साथ हम लोग का एम जी एक्स वाला पार्ट जो हम लोग का एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, अगर उसके हिसाब से हम लोग कंसिडरेशन ले, तो लास्ट क्लास में बताया था कि आर माइनस इस कार्बन पे ऐड होगा, O- बनेगा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे, तो जो O- बनेगा उस पे हाइड्रोजन अटैच हो करके OH ग्रुप का फॉर्मेशन करा सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट में R- के साथ कार्बन, इस पे एक कार्बन चेन पहले से था,
एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन चेन ऐड हुआ और उसके बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला पार्ट था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के फॉर्मेट में उस पे H+ ऐड करके आराम से अल्कोहल का फॉर्मेशन करा रहे हैं। अब एक चीज इसमें देख करके हम लोग उल्टा सोच सकते हैं, जैसा लास्ट क्लास में बताया था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्मल्डिहाइड होगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल होगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज कंसिडर किया जा सकता है कि एक अननोन कंपाउंड है और अननोन कंपाउंड वाला पार्ट जो है वो हम लोग एसिड डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं कि एक अननोन एसिड डेरिवेटिव है। अगर उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हुआ, दोनों अननोन है, हमको नहीं मालूम कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है और वो एसिड डेरिवेटिव कौन सा है, दोनों ही अननोन है। तो एक अननोन एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन अगर एक अननोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा के एक प्रोडक्ट बनाए तो उसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन पार्ट है वो 2 बार ऐड हो रहा है, मतलब ये जो R वाला पार्ट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तरफ से आया है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट पहचानना आसान हो जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट में कितने कार्बन या फिर कौन से कार्बन का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस चीज को स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन के लिए सोच सकते हैं कि हम लोगों के फाइनल प्रोडक्ट में जो पार्ट रिपीटेड होगा ये पार्ट हम लोग के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट से आया होगा, क्योंकि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को 2 बार ऐड कर रहे होते हैं, और जो पार्ट अनकॉमन है, जो पार्ट एक ही बार आया, वो हम लोगों के एसिड डेरिवेटिव के कार्बन चेन में या पेरेंट चेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा हम लोग जजमेंट आराम से दे सकते हैं। अभी के लिए इतने पार्ट में एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग का टोटल 3 रिएक्शन है, इन 3 रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला पार्ट कौन सा होगा। तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पार्ट का जो रेट है ये हम लोग के SNAE के रेट से ज्यादा होता है, ये हम लोग रिएक्टिविटी में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट पहले एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन SNAE और दूसरा हम लोग का SN2 रिएक्शन। तो पहले स्टेप से लेके दूसरे स्टेप तक हम लोग का SNAE रिएक्शन है और उसके बाद हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये पार्ट तो RDS का पार्ट नहीं हो सकता, और ऊपर के 2 स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और पाई बॉन्ड वाला पार्ट ब्रेक हो रहा होता है यही अपना RDS होता है। इस एक चीज को थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है, मतलब SNAE रिएक्शन या SNTH रिएक्शन वाले पार्ट में जो हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट का एडिशन है वही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वाला स्टेप अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस एक पार्टिकुलर पार्ट को ध्यान रखते हुए काम करना है, पहला चीज। दूसरा, हम लोगों का जो इंटरमीडिएट है, यहाँ तो रिएक्टेंट हुआ, यहाँ प्रोडक्ट हुआ और बीच में इंटरमीडिएट आया, ये जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल शेप। तो ये जो SNTH वाले पार्ट में जो TH होता है वो इसी टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग SNTH रिएक्शन भी बोल सकते हैं इस चीज को। उसके अलावा पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप हटा, मतलब न्यूक्लियोफाइल हट गया, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, इसलिए हम लोग इस पूरे के पूरे रिएक्शन को SNAE रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन आराम से बोल सकते हैं। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा, नोट कर लो पूरे मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और प्रोडक्ट बनाना बहुत सिंपल सा केस है, बस ग्रुप को हटाओ न्यूक्लियोफाइल को डाल दो, ग्रुप को हटाओ न्यूक्लियोफाइल को डालो, फिर जो प्रोडक्ट बना उसके बारे में सोचो कि इस पे हम लोग ग्रुप का एडिशन करा के क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। खुद से मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करो अगर हो सकता है तो, क्योंकि ये मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो खुद से ये स्टेप्स लिखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, खुद से ट्राई करके देख लेना।
एसएनई रिएक्शन वाला पार्ट केवल पहले और दूसरे स्टेप को बोला जाता है, उसके बाद तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं। तो एसएनई में जब तक न्यूक्लियोफाइल अटैच होकर के एलिमिनेशन होता है बस उतने ही तक को हम लोग एसएनई रिएक्शन बोलते हैं, बट हम दोनों स्टेप्स को मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हमेशा नॉर्मली प्रोडक्ट में एल्कोहल वाला पार्ट बना दिया जाता है, तो इसलिए दोनों चीजों को मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट तो हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन कर लेते हैं, बहुत ही घटिया सा स्टीरियो केमिस्ट्री है। इसीलिए अगर हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराए RMgX, तब इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में R डैश के साथ C डबल बॉन्ड O R का फॉर्मेशन हुआ। कार्बन वाला पार्ट sp2 है और प्रोडक्ट वाले पार्ट में भी कार्बन वाला पार्ट sp2 है। बीच में भले ही हम लोग को sp3 कार्बन मिल रहा था लेकिन sp2 कार्बन में कोई कायरल सेंटर नहीं होता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट इसमें डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं होता है, एटलीस्ट एसएनएई रिएक्शन तक के पार्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री किसी काम का नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर मान लो इसे दोबारा रिएक्शन करा भी देते हैं तो दोबारा रिएक्शन कराने पे हम लोगों का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये OH में कन्वर्ट होगा और एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ से कार्बन चेन ऐड होगा। इसमें भी दो ग्रुप कॉमन है, इसका मतलब कायरल सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे भी जनरेट नहीं हो सकता, तो कायरल सेंटर भी नहीं हो सकता और दोनों ग्रुप अगर सेम हो गया तो इस केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला पार्ट भी नहीं हो सकता। इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट इसमें डिस्कस करने का नहीं होता है, ऐसे नहीं रिएक्शन में कोई स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग का काम का नहीं रहेगा, इसलिए इसको सबसे पहले डिस्कस कर लिया। लेकिन हम लोग का रिएक्टिविटी वाले पार्ट का कंसंट्रेशन हम लोग को ध्यान रखना होता है। अगर मान लो हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी वाले पार्ट में दो रिएक्टिविटी का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। पहला रिएक्टिविटी ये कि जो चार एसिड डेरिवेटिव्स हैं उन चार एसिड डेरिवेटिव्स का खुद में रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर हम लोग असाइल हैलाइड ले और ईस्टर ले तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, एनहाइड्राइड और ईस्टर ले तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, पहले ये डिस्कशन करेंगे। दूसरा एक चीज मालूम है कि इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसएनई रिएक्शन, तो उस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेकिन जो असाइल हैलाइड है उसका रिएक्टिविटी इसका नेट खराब हुआ होगा, आंधी तूफान आ रहा है भागलपुर में। रिएक्टिविटी वाले पार्ट में जैसे हम लोग एक रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे चारों एसिड डेरिवेटिव का, एसाइल हैलाइड और बाकी सब का रिएक्टिविटी क्या होगा, एक ये तरीका। और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज्यादा है मतलब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टिविटी एसिड डेरिवेटिव से ज्यादा होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिएक्टिविटी में पहले ही। लेकिन असाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी एसएनई रिएक्शन के लिए भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके पीछे रीजन क्या है उस चीज को मेंशन करेंगे, वो एक छोटा सा फैक्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना होगा। अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव कंसिडर करें तो इसको कंसिडर करने के लिए जीओसी का थोड़ा बहुत तुम लोग को जरूरत पड़ेगा। और इस पहले हम तो ऑर्डर लिख ले रहे हैं, जैसे मान लो कि एक सिंपल सा ऑर्डर पहले मेंशन कर रहे हैं, बाकी जो फैक्टर्स हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मेंशन किए थे एग्जैक्टली सेम फैक्टर्स यहाँ पे भी आएगा, उस एक चीज की भी बात करेंगे। मान लो अगर हम लोगों का असाइल हैलाइड है, दूसरा रिएक्टिविटी वाले पार्ट में हम लोग
एनहाइड्राइड को कंसिडर कर सकते हैं, तीसरा रिएक्टिविटी वाले पार्ट में हम लोग ईस्टर को कंसिडर कर सकते हैं, और चौथा रिएक्टिविटी वाले पार्ट में हम लोग 3° अमाइड वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी में असाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद हम लोग का एनहाइड्राइड का रिएक्टिविटी आएगा, फिर ईस्टर का, और सबसे लास्ट में Na2 का। क्योंकि हम लोग का हैलोजन वाला पार्ट अगर जीओ सी याद करें तो -I इफेक्ट इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, जबकि अगर मान लो इस एनहाइड्राइड में दोनों में से कोई एक कार्बन ले ले, कोई भी एक कार्बोनिल कार्बन, तो उस केस में इस कार्बोनिल कार्बन पे ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है, मतलब ये ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट हम लोग इस कार्बोनिल कार्बन पे ऑपरेट करता हुआ मानेंगे। ईस्टर में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट ऑपरेट करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और सबसे लास्ट केस में नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, मतलब यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट ऑपरेट करेगा। तो इन चारों केसेस में अगर हम लोग का माइनस आई है, तो लास्ट क्लास में एक चीज मेंशन किया था कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इससे अटैच हुआ तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो हेलोजन वाला पार्ट माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा इंक्रीज करता है, इसके वजह से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। बट सेकेंड केस में, थर्ड केस में और फोर्थ केस में प्लस एम वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो हम लोग का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना डिक्रीज करेगा रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा, ऐसा बोलते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम और प्लस एम रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, माइनस आई रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, सबसे पहला तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। बाकी पार्ट को अगर कंपेयर करें तो ऐसा कंपेयर कर लेते हैं हम, इन दोनों केसेस को अगर कंसिडर करें हम लोग, तो इस केस में OR ग्रुप का प्लस एम लोन पेयर आराम से रेजोनेंस में जा सकता है, दूसरे वाले केस में भी लोन पेयर आराम से रेजोनेंस में जा सकता है, दोनों में रेजोनेंस पॉसिबल है। और हम लोग जब GOC में रेजोनेंस इफेक्ट देख रहे थे तो वहां पे इस तरह का डिस्कशन किया था कि जैसे सेकंड वाला कंपाउंड में जो लोन पेयर है ये दो जगह रेजोनेंस में जा सकता है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर दूसरे साइड भी जा सकता है, तो एक ही लोन पेयर है दोनों जगह रेजोनेंस में जाएगा, मतलब एक साइड रेजोनेंस में थोड़ा कम जाएगा, जबकि थर्ड वाले केस में एक ही लोन पेयर है और एक ही जगह रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब इस कार्बोनिल कार्बन के साथ ऑक्सीजन के लोन पेयर का रेजोनेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट हम लोग मेंशन करते थे, ऐसा हम लोग GOC वाले पार्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद रिपीट नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले केस में सेकंड वाले केस में हम लोग का लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है, थर्ड वाले केस में भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है, बट सेकंड वाले केस में लोन पेयर इधर रेजोनेंस में तो जाएगा बट दूसरे साइड भी रेजोनेंस में जाएगा, मतलब लोन पेयर का रेजोनेंस पहले वाले साइड में थोड़ा कम हो गया, जबकि थर्ड वाले मॉलिक्यूल में लोन पेयर केवल एक ही साइड रेजोनेंस कर रहा है, मतलब यहाँ रेजोनेंस वाला पार्ट रिलेटिवली काफी ज्यादा होगा। और इन दोनों पार्ट में जितना रेजोनेंस होगा उस केस में हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है या बेसिकली प्लस एम इफेक्ट है वो उतना ही हाई हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से नहीं समझ आता है तो सिंपली ऐसा ध्यान रख सकते हैं, OR ग्रुप वाले पार्ट का प्लस एम इफेक्ट और OC डबल बॉन्ड OR ग्रुप, इन दोनों के प्लस एम वाले पार्ट को अगर कंपेयर करें हम लोग तो OR ग्रुप का प्लस एम ज्यादा होता है, जितना ज्यादा प्लस एम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज घटाएगा रिएक्टिविटी उतना ही कम करेगा, इस तरीके से बात कर सकते हैं हम लोग, पहला चीज। दूसरा, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट कम होगा, तो जो हम लोग का Na2 ग्रुप होता है इसका प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट और ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी वाले पार्ट को और भी कम करके रखेगा, ऐसा हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव में, पहला चीज। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि हम लोग के प्लस एम के बेसिस पे इन चार कंपाउंड को कंपेयर कर लिया, हो सकता है सवाल में ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा हो, तब इस केस में क्या कंपैरिजन करें, क्योंकि इसमें दो कार्बोनिल कार्बन है और इन दोनों में रिएक्टिविटी कंपेयर करने बोला है, तो इन दोनों कार्बोनिल कार्बन वाले पार्ट में फिर हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर पे जाएंगे, जो कार्बोनिल कार्बन में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर, रेजोनेंस का फैक्टर, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का फैक्टर, सेम फैक्टर्स यहाँ भी आएगा
ये चेक करना पड़ेगा कि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग नेचर का है, उसके हिसाब से हम लोग रिएक्टिविटी को आराम से कंपेयर करते हुए अपने क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त यूज कर सकते हैं। तो इसके नीचे पहले तो ये ऑर्डर नोट कर लो अपने कॉपी में, ये ऑर्डर तो याद रखना ही रखना है। इस चीज को हम लोग जब एसिड डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर से ऑर्डर रिपीट होगा, कुछ नया पार्ट नहीं होगा, बस ऑर्डर रिपीट होगा। और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा कन्वर्जन का कंसिडरेशन डिस्कस करेंगे जो इसी ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, वहां पे ऑर्डर फिर से याद आ जाएगा तुम लोगों को। और उसके नीचे फैक्टर्स वाले पार्ट में वही तीन फैक्टर हम लोग रिपीट करेंगे जो पहले लिख रखा है, नोट करते जाना। सेम फैक्टर है, बोलने का तरीका भी सेम है, बस है कि कंपाउंड वाला पार्ट कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रुप के एडिशन की वजह से थोड़ा चेंज हो गया। तो प्लस एम का फैक्टर, माइनस आई का फैक्टर भी रहेगा। माइनस आई वाला पार्ट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को डोमिनेट करा देता है। कोई ऐसा बोल सकता है कि सर जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर को हम लोग डोमिनेटिंग मानेंगे कि हम लोग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को डोमिनेटिंग मानेंगे, दोनों में से किसको डोमिनेटिंग माने, ये चीज कंपेयर करना मुश्किल चीज है। जैसे मान लो कि सी डबल बॉन्डो के साथ यहाँ सी एल है, तो इस केस में सी डबल बॉन्डो के साथ सी एल में क्लोरीन वाला पार्ट डेफिनेटली हम लोग का स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा के रखेगा अगर इसको हम लोग एल्डिहाइड के साथ कंपेयर करते हैं तो। लेकिन क्लोरीन साथ ही साथ माइनस आई भी शो करेगा, तो माइनस आई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्टिविटी घटा रहा है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा ये डिसाइड नहीं कर सकते, तो इस तरह के केसेस में हम लोग को ऑर्डर ही याद रखना पड़ेगा और अदरवाइज कोई अपने पास ऑप्शन नहीं होता है, इस एक चीज का ध्यान रखना। कभी भी सवाल इस तरह का नॉर्मली नहीं होगा जिसका ऑर्डर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। जैसे आज एक मॉलिक्यूल जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग क्लोरल मॉलिक्यूल, तो क्लोरल मॉलिक्यूल में नेगेटिव हाइपर कंजेशन का एक केस होता है जो थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है। ऑल्दो हम ऐसा ऑर्डर देखे तो नहीं एनसीईआरटी में, बट फिर भी अगर वो केस दे रखा है तो हम लोग उसका डिस्कशन देख लेंगे, वो ऑर्डर हो सकता है याद रखना पड़े। तो उस तरह के केस को याद रखना पड़ेगा, उसमें हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिविटी है कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट की वजह से, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होना चाहिए, जबकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। और इसको नोट करने के बाद हम लोग रिएक्टिविटी का कंपैरिजन कर सकते हैं दो एग्जांपल्स में। जैसे एक एग्जांपल तो जो अभी ऊपर डिस्कस किया था उसी चीज की बात कर लेते हैं। इस केस में दो कार्बोनिल कार्बन होता है एनहाइड्राइड में, ए और बी वाला पार्ट अगर मान लो दे रखा, तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, तो जो प्लस एम इफेक्ट है उसका लोन पेयर तो दोनों तरफ प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, तो प्लस एम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम लोगों के प्लस एम के अलावा एक तरफ C2H5 है, एक तरफ CH3 है, तो C2H5 वाला पार्ट ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर रखेगा, मतलब रिएक्टिविटी वाले पार्ट को घटाएगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर A greater than B आराम से मेंशन कर सकते हैं। पहले वाले केस में मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा तो इसमें कुछ नया केस तो हम लोग डिस्कस भी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा।
मान लीजिए दोनों कंपाउंड दे रखा है, तो सिंपल सा सिनेरियो है, पहले वाले केस में हम लोग के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जबकि दूसरे वाले केस में ज्यादा है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस तरह का सिमिलर टाइप का ही केस आएगा, कोई नया केस इसमें नहीं आने वाला है हम लोग रिएक्टिविटी में, नोट कर लो। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो क्वेश्चन के डिस्कशन में मोस्टली डिसीजन इस चीज के ऊपर बेस्ड होगा कि एसिड डेरिवेटिव है कि ईस्टर है कि नाइट्राइड है कि अमाइड है, इन चार चीजों के ऊपर सारा का सारा रिएक्टिविटी का कंसंट्रेशन होगा। एक ही कंपाउंड के अंदर दो पार्ट दे रखा होगा, अब दो में से एक एसिड डेरिवेटिव और एक ईस्टर है, तो हम लोग पहले असाइल हैलाइड है या फिर ईस्टर है, तो पहले हम लोग असाइल हैलाइड पे रिएक्शन कराएंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। सवाल मोस्टली उन चारों कंपाउंड के ऑर्डर वाले पार्ट के ऊपर बेस्ड होने वाला है। कभी कभी एनहाइड्राइड का सवाल होगा जिसमें दो में से कोई एक पार्ट को हम लोग को रिएक्टिविटी के लिए सिलेक्ट करना होगा। और इन सब को नोट करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, ये जरूरी होता है। रिएक्टिविटी ऑफ असाइल हैलाइड इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट में हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट अगर असाइल हैलाइड के SNA के रेट से कंपेयर करें तो ये ऑर्डर थोड़ा कम निकल के आएगा। मतलब केवल एक ये पार्ट ध्यान रखना होता है जो हम लोगों को कंसिडरेशन में कंपेयर करते वक्त यूज करना होता है। और इसको नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे। क्वेश्चंस को ढंग से सुनना जो जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नोट करो, पहला फाइंड द प्रोडक्ट। सारे एग्जांपल्स को ढंग से देखना, उसमें सिंगल ग्रीन नाइट्रोजेंट, डबल ग्रीन नाइट्रोजेंट, अलग अलग रिएक्टिविटी वाला पार्ट, साइक्लिक कंपाउंड, सब तरह के केसेस को डिस्कस करते चले जा रहे हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा SC double bond O, OPH, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं CH3MgBr के साथ, दो इक्विवेलेंट, और हम लोग लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस भी यूज कर रहे हैं, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अगर मान लो दो इक्विवेलेंट दे रखा, तो उस केस में प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बस इस चीज को ढंग से देखो, अभी कुछ नोट डाउन मत करना। जैसे सबसे पहला पार्ट कंपाउंड क्या दे रखा है ये चीज देखना, तो देख के मालूम पड़ गया ईस्टर दे रखा है, एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट, तो ऐसे नहीं रिएक्शन होगा। दूसरा ग्रीन नाइट्रोजेंट का दो इक्विवेलेंट दे रखा, तो प्रोडक्ट बनाते वक्त SC डबल बॉन्ड OPH दे रखा, जब इसका रिएक्शन CH3MgBr के साथ कराएंगे तो CH3- को इस कार्बन पे ऐड करके पहला काम है यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाना, तो इस केस में पहले लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया, सबसे पहला स्टेप। लेकिन एक बार जब हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन कराते हैं तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग का लिविंग ग्रुप हटने के बाद भी एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, तो उससे फर्दर रिएक्शन हो सकता है, तो उस केस में फिर से इसी CH3 वाले पार्ट को इसी कार्बन पे ऐड करा रहे हैं हम लोग। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे जब पहला हम लोगों का CH3 वाला पार्ट ऐड होगा, तो उस केस में हम लोगों का OPH या PHO- ये चीज हटेगा, लेकिन फिर इस पे एक और CH3 का एडिशन होना है, तो ये चीज तुम लोगों को खुद से ही सोचना पड़ेगा कि हम लोगों का सबसे पहले तो PHO- हटा, अब उसके बाद फिर से एक और CH3 वाला पार्ट ऐड हुआ, तो जब सेकेंड स्टेप में CH3 ऐड होगा तो हम लोग का एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त सबसे पहला चीज PHO- हटा, CH3 का एडिशन हुआ, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उससे फिर से एक CH3 का एडिशन हुआ, और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसको OH में कन्वर्ट कर दिए, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर एक इक्विवेलेंट होता तो पहले स्टेप पे रिएक्शन रोक देते, अगर दूसरा इक्विवेलेंट है तो उसके इसमें हम लोग फर्दर एक और स्टेप का एडिशन कराते वक्त अल्कोहल का फॉर्मेशन आराम से करा सकते हैं। तो प्रोडक्ट बनाते वक्त हमेशा रिएक्टेंट को देख के उसी में न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट का एडिशन करा के लिविंग ग्रुप को हटाओ, फिर और रिक्वायर्ड है तो और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा के फाइनल प्रोडक्ट को बनाओ, ऐसा बोला जा सकता है। अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3 Whole twice. और इसका रिएक्शन अगर हम लोग CH3 MgBr के साथ करा रहे हैं, और इस बार हम लोग
वन इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं। तब इस केस में अगर एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट को बनाते वक्त सिंपली और पूरा स्टेप का मैकेनिज्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोगों का जो CH3 MGBR है इसका CH3 माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से हटाएगा। प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 C डबल बॉन्डो नाइट्रोजन वाले पार्ट के जगह पे हम लोग का एक CH3 वाला पार्ट जो कि ग्रिग्नार्ड रीजन की तरफ से आया है उस चीज को ऐड करके हम लोग आराम से कीटोन वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सिंपल किया जाएगा। नोट कर लो दोनों रिएक्शंस। और रिएक्शंस में अगर कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना, अभी 3-4 रिएक्शंस और डिस्कस करेंगे हम लोग। साइक्लिक कंपाउंड या फिर एनहाइड्राइड के दो यूनिट वाले पार्ट के केसेस या फिर एक ही कंपाउंड में दो रिएक्टिव कंपाउंड वाले पार्ट दे रखे हो तब क्या होगा, इस तरह के कुछ कुछ केसेस का डिस्कशन करेंगे हम लोग। एसिड डेरिवेटिव और एल्डिहाइड कीटोन में प्रोडक्ट बनाना आसान चीज है, बट रिएक्टिविटी का कंसिडरेशन या फिर यही रिएक्शन होगा ये चीज जज करना मुश्किल होता है। बट एक बार सोच लिया मालूम पड़ गया कि ये रिएक्शन होना है या इस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो होना है तो प्रोडक्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए दिक्कत नहीं है। बाकी केसेस में जैसे SN2 है SN1 है तो इन सब केसेस में रीअरेंजमेंट हो सकता है। आगे जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। उन सब केसेस में प्रोडक्ट बनाने से पहले 10 चीजें सोचनी होती है, इसमें उतना नहीं सोचना होता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में हम लोगों का एनहाइड्राइड दे रखा और इसमें C2H5MgBr के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो केवल एनहाइड्राइड के केस में ही हम लोग के पास दो कार्बन ये कार्बन होता है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, दोनों में किसी पे भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो हम लोग को रिएक्टिविटी का कंसेंट्रेशन देखना पड़ेगा। एक तरफ बेंजीन रिंग है जो कि काफी हायर स्टेरिक हिंड्रेंस रखेगा, तो इसकी वजह से ये पहले वाले पार्ट पे स्टेरिक हिंड्रेंस हायर होने की वजह से रिएक्टिविटी वाला पार्ट कम होगा, जबकि दूसरे तरफ CH3 ग्रुप होने की वजह से, छोटा ग्रुप होने की वजह से रिएक्टिविटी का कंसंट्रेशन थोड़ा हाई होगा। तो हम लोग का जो C2H5MgBr है इसमें C2H5- मतलब बेसिकली जो दो कार्बन वाला पार्ट है, तो CH2- और CH3, ये CH2- वाला पार्ट इस ज्यादा रिएक्टिव कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाएगा, और जब लिविंग ग्रुप को हटाएगा तो पहले से एक CH3 एडेड है उस C डबल बॉन्ड O के ऊपर, और उसी के ऊपर हम लोगों का CH2 या फिर सीधा हम लोग C2H5 भी लिख सकते हैं, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर वन इक्विवेलेंट है तो एक ये प्रोडक्ट बना, और अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट का थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है कि किसी दूसरे तरीके के रिएक्शन में, जैसे एक सिक्वेंशियल रिएक्शन दिया तो रिएक्टेंट दिया दोनों, फिर प्रोडक्ट में P+Q बनाया, अब P+Q में किसी एक पार्ट का रिएक्शन फर्दर स्टेप्स के लिए यूज कर लिया, तो ये एसिड डेरिवेटिव में सेकेंड पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ध्यान नहीं रखना होता, लेकिन एसिड डेरिवेटिव में स्पेसिफिकली एनहाइड्राइड के केस में या फिर ईस्टर के केस में और अमाइड के केस में सेकेंड पार्ट का भी हम लोग को ध्यान रखना होता है, इस एक चीज का कंसेंट्रेशन ध्यान रखना। नोट कर लो।
मान लो इस कंपाउंड का रिएक्शन CH3MgBr के साथ करा रखा है, तीन इक्विवेलेंट, क्या प्रोडक्ट बनेगा ट्राई करके देखो। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एसिडिफिकेशन भी करा रहे हैं, CH3MgBr 3 इक्विवेलेंट, क्या प्रोडक्ट बनेगा ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में रिएक्टिविटी का ध्यान रखना है, ये बहुत ही मस्त चीज होगा, आगे हर जगह रिएक्टिविटी का कंसिडरेशन यूज करते चलेंगे हम लोग। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, बहुत लोग आंसर गलत आएगा। आंसर वाला पार्ट ऐसा कुछ होना चाहिए, OH CH3, दूसरे वाले केस में कार्बन के ऊपर दो कार्बन OH, और तीसरे वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो CH3 जैसा दे रखा है वैसे कैसे रहेगा, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाने वाला है। और इसीलिए स्टार मार्क भी कराया। सबसे पहला चीज ये कि अगर हम लोग इस रिएक्टेंट को कंसिडर करें तो इस रिएक्टेंट वाले पार्ट में सबसे पहला चीज तो ये देखना कि हम लोग का रिएक्टिविटी वाला पार्ट क्या क्या दे रखा है। तो एक तो हम लोगों के पास ईस्टर दे रखा है इस साइड में, दूसरा एल्डिहाइड वाला पार्ट दे रखा है, और तीसरा एसिड डेरिवेटिव दे रखा है। तो इन जनरल SnAe रिएक्शन वाला पार्ट लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन एसिड डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड कीटोन। तो CH3- वाले पार्ट का जो पहला मोल है, मतलब CH3MgBr वाले पार्ट का जो पहला मोल है, वो पहला मोल सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बन के ऊपर जाएगा और यहाँ से क्लोरीन को हटाएगा। जैसे ही यहाँ से क्लोरीन वाले पार्ट को हटाया तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से हम लोग इस कंपाउंड की बात कर सकते हैं, जो एल्डिहाइड जैसा था वैसे ही रह गया। नीचे वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, और जो ईस्टर वाला पार्ट है वो जैसा था एग्जैक्टली वैसा कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो CH3MgBr का दूसरा इक्विवेलेंट है, इस चीज को अगर हम लोग रिएक्ट कराना है तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अब यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और यहाँ पे SnA रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में और SnA रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज्यादा होता है। उसमें भी एक तरफ एल्डिहाइड दे रखा है और एक तरफ कीटोन है, और एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कीटोन इन जनरल एस्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर की वजह से। तो दूसरा इक्विवेलेंट हम लोग आराम से इस CH3- वाले पार्ट का जिस एल्डिहाइड पे ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट जब ऊपर एडिशन हो जाएगा तो तीसरा इक्विवेलेंट वाला पार्ट जो हम लोग का होगा, उस तीसरे इक्विवेलेंट वाले पार्ट को हम लोग नीचे वाले कार्बन पे आराम से ऐड करते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग के इस कीटोन वाले इस ईस्टर वाले पार्ट पे रिएक्शन करने के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। पहला रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव पे हुआ, दूसरा रिएक्शन एल्डिहाइड पे हुआ, फिर तीसरा रिएक्शन उसी एसिड डेरिवेटिव के प्रोडक्ट कीटोन पे हुआ, ईस्टर पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो आराम से हम लोग का ये ऊपर वाला प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। इस एक चीज का भी ध्यान रखना है, अगर एक कंपाउंड में तीन पार्ट दे रखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों पे रिएक्शन होगा। रिएक्टिविटी का कंसिडरेशन मस्ट है, उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे। अगर कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकता है। नोट कर लो ऑप्शन वाले पार्ट को जो आंसर है बताया है, और इसको नोट करने के बाद एक सवाल साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड अभी हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एक कंपाउंड थोड़ा ऑप्शनल टाइप का पार्ट होगा जिसमें चार ऑप्शंस होगा, उस चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग।
चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में मान लो अगर ऐसा सवाल दे रखा और इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग CH3MgBr के साथ करा रहे हैं, वो भी हम लोग चलो 1 इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला चीज कि कंपाउंड वाले पार्ट को देखने कौन सा कंपाउंड दे रखा है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजन अटैच्ड है इसका मतलब ईस्टर दे रखा है। अगर ईस्टर ग्रुप दे रखा है तो हम लोग का SNA रिएक्शन होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और CH3MgBr वाले पार्ट के केस में जो CH3- है ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और लिविंग ग्रुप को यहाँ से हम लोग आराम से हटा सकते हैं। ये हम लोग का बेसिक स्टेप है जो हम लोग को ध्यान रखता है। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कार्बोनिल कार्बन के ऊपर CH3 का एडिशन हुआ और उसके अलावा हम लोगों का जो यहाँ पे O- है उसको हम नीचे साइड मेंशन कर देते हैं। इस O- के साथ हम MgBr मेंशन कर रहे हैं। और सेकेंड स्टेप में बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि हम लोग का हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट होता ही होता है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे O-MgBr वाले पार्ट को आराम से OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग का साइक्लिक ईस्टर टाइप का पार्ट दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया और वहां से एक बॉन्ड को ब्रेक करके हटाया, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल तरीका ध्यान रखना, साइक्लिक कंपाउंड जैसा दिखेगा वैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना। और जिस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इधर तक के पार्ट को वैसा बनाया, आगे के कार्बन तक को वैसा बनाया, अब उसके बाद केवल यहाँ के बॉन्ड में डिफरेंसेस है। तो इस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर CH3 ऐड कर दिया और इस OH को जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, और नहीं तो थोड़ा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, थोड़ा साफ सुथरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए OH को नीचे लेके चले गए और CH3 वाले पार्ट को यहाँ पे डाल दिया। अपने मर्जी पे है, मतलब जो कंपाउंड दे रखा उस कंपाउंड वाले पार्ट को जैसा दे रखा वैसे ही छोड़ दो और CH3 को यहाँ पे ऐड करा दो, वैसे भी प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। नोट कर लो रिएक्शन। एक्स एंड वाई क्वेश्चन नंबर 6 में एक अननोन कंपाउंड है, पता नहीं क्या है, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसके एक्सेस के साथ हम लोग उस अननोन कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं और सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करा रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। तो उस केस में एक्स एंड वाई कैन बी, ये ऑप्शन को हम लोग को वर्कआउट करना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करके देखो।
कोई एक अननोन कंपाउंड है, मालूम नहीं क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्सेस में लेके चल रहे हैं, वो भी क्या है पता नहीं। सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करा के प्रोडक्ट बनाए, इन चार में से कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल होंगे इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। वन टू फोर थ्री नहीं होगा? नहीं सर, थ्री नहीं होगा। सबसे पहला पार्ट तो ये जो भी ऊपर रिपीट भी किया था कि अगर हम लोग ऐसे डेरिवेटिव है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो बार रिपीट होगा, तो यहाँ पे पीएच वाला पार्ट दो बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब पीएच वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आ रहा होगा और हम लोग कोई ऐसे डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। तो ये सीएस3 वाला पार्ट ऐसे डेरिवेटिव की तरफ से आएगा, तो पहले ऑप्शन में ऐसे डेरिवेटिव में सीएस3 है पेरेंट चेन में और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पीएच वाला पार्ट, तो आराम से ये ऑप्शन तो हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में एसिड डेरिवेटिव है ही नहीं, कीटोन दे रखा है, तो कीटोन दे रखा तो और अच्छी बात है, कीटोन वाले पार्ट में तो हम लोग आराम से CH3 का एडिशन करा करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाले केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट एसिड डेरिवेटिव में ईस्टर है बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट में CH3 है, तो CH3 का रिपीटिंग यूनिट आएगा जबकि हम लोग को बेंजीन रिंग का रिपीटिंग यूनिट चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और लास्ट वाले केस में फिर से कीटोन है और इसको पीएच एमजीबीआर का एडिशन करा रहा है, तो हम लोग आराम से पीएच माइनस को इसको ऐड करेंगे, तो एक ही कार्बन के ऊपर हम लोगों का दो पीएच ग्रुप ऐड हो जाएगा, उसके अलावा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओएच में कन्वर्ट होगा और सीएच3 वैसे के वैसे ही मेंशन कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी आंसर में कंसिडर किया जा सकता है। तो इस एक पार्ट का हम लोग को एसिड डेरिवेटिव में थोड़ा ध्यान रखना होता है और इन सब डिस्कशंस के बाद फिर वापस हम होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं, होमवर्क आज बुकलेट में और भी देंगे, उसके अलावा एक वर्कशीट होगा जिसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, और इन सब डिस्कशंस के बाद एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाता है, लोग नॉर्मली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कम्प्लीट मान लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ कुछ और रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग को डिस्कस करना होता है, CO2 के साथ रिएक्शन, SO3 के साथ रिएक्शन, O2 के साथ रिएक्शन, CN ग्रुप के साथ रिएक्शन, साइनाइड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ये 5 रिएक्शंस और है जो कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अलग से कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज का डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग का मिसलेनियस क्वेश्चंस का कुछ सेट होगा जो तुम लोगों को ट्राई करना, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और शुरू से लेकर अभी तक एसिड बेस्ड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, SNA रिएक्शन, इन सारी चीजों को लेकर के जो कंबाइंड रिएक्शन का सेट हो सकता है वो मिसलेनियस रिएक्शन का पार्ट हम लोग जस्ट इसके बाद वर्कशीट के फॉर्मेट में देंगे। और उसके अलावा अगर तुम लोगों को इस टॉपिक के बाद MS चौहान सॉल्व करना है तो उसमें मेरे हिसाब से शायद से 50-60 क्वेश्चंस है, MS चौहान के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं, बट एक बार तुम्हारा नोट कॉपी में जो भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रखा ढंग से तो MS चौहान के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट आराम से कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक कम्प्लीट होने के बाद दो टॉपिक हम लोग का चलेगा, एक तो रिडक्शन वाला पार्ट, रिडक्शन वाले पार्ट का वीडियो लेक्चर हम ऑल्दो रिडक्शन वाले पार्ट में रिएजेंट्स तुम लोग को रटना होता है उसका हम लिस्ट बना के देंगे तुम लोग को जो कि तुम लोग को याद रखना है, बट क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होता है रिडक्शन वाले पार्ट में, ऑल्दो रिएजेंट याद रख के काम चल जाता है बट फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत होता है, तो उसका हम वीडियो में लेक्चर बना करके और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल के पार्ट को सॉल्व करके उसमें हम अपलोड करेंगे जो तुम लोगों को खुद से देखना होगा। एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद शुरू करेंगे और हम लोग का जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का पार्ट है और हाइड्रोलिसिस का पार्ट वो तुम लोगों को साथ ही साथ देखते जाना है। एक छोटा सा सवाल है, वो सवाल तो यही है, एक छोटा सा पार्ट है जो थोड़ा ध्यान रखना, अगर हम लोगों का RC(NN) है इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में,
तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस थोड़ा ध्यान रखना, अगर हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सिंपली जितने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है उन सारे के सारे कार्बन नाइट्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करना, और जितने बॉन्ड को ब्रेक किया है उतने ही कार्बन पे OH ग्रुप का एडिशन कराना और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन ग्रुप का एडिशन कराना। इसको ऐसा समझ दो H2O का H वाला पार्ट नाइट्रोजन पे ऐड होगा, OH वाला पार्ट कार्बन पे। तो अगर एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक OH कार्बन पे, एक हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन वाले पार्ट पे। अगर तीन बॉन्ड ब्रेक किया तो उस केस में हम लोग तीन OH ग्रुप कार्बन पे अटैच कर सकते हैं। अगर कभी भी साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उस केस में सारे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करो पहला चीज, और दूसरा जितने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए उतने ही OH ग्रुप अटैच कर दो कार्बन पे। तो कार्बन के साथ तीन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड था, तीनों को ब्रेक करके तीन OH ग्रुप डाला, एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से हम लोग H2O को रिमूव करके आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। एक ये हाइड्रोलिसिस का पार्ट है जो थोड़ा ध्यान रखना है, जनरलाइज पार्ट है, याद रख सकते हैं। अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहा, इमाइन वाला पार्ट, इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसके हाइड्रोलिसिस में हम लोग का डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उस केस में हम लोग के कार्बन वाले पार्ट के ऊपर दो OH ग्रुप वाले पार्ट को अटैच कर सकते हैं हम लोग। अगर कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप है तो यहाँ से भी H2O को हटा करके आराम से हम लोग कार्बोनिल कार्बन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, मतलब सी डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो अगर हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड है तो तीनों को ब्रेक करके तीन OH ग्रुप लगाओ, अगर डबल बॉन्ड है तो दो को ब्रेक करके दो OH ग्रुप। और इस एक चीज का ध्यान रखना, अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो हम लोग H3O प्लस या फिर OH माइनस दोनों में हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, लेकिन बाकी केसेस में केवल एसिडिक मीडियम H3O प्लस में ही हाइड्रोलिसिस होगा। इस एक छोटे से पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना जो कहीं कहीं पे सिक्वेंशियल रिएक्शन एडअप कर दिया जाता है, मतलब जैसे SN2 रिएक्शन हुआ तो SN2 रिएक्शन में अल्काइल लाइट के रिएक्शन KCN के साथ कराया और KCN के बाद उसी में हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो एक फर्दर स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से बनाया जा सकता है। इस एक हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट के स्टेप का ध्यान रखना। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस में हम लोग एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहा तो केवल एसिडिक मीडियम कंसिडर करते हुए काम करेंगे। जनरलाइज चीज है, आराम से ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। और इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। नोट कर लो फटाफट। मेरे फोन में माउस पॉइंटर क्यों नहीं दिख रहा है? तुम लोग तो बोलते हैं कि माउस पॉइंटर दिखता है। चलो होमवर्क नोट करो। बुकलेट के एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर SN2TH, इसमें वैसे तुम्हारा फिर से एसिड डेरिवेटिव में बहुत सारा रिएक्शन दे रखा होगा, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं इसमें। हाउ मेनी रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN2TH मैकेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 52 दिमाग लगा के देखना। जब रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया था सबसे पहला लेक्चर, जब हम बिल्कुल जनरलाइजेशन में बात कर रहे थे रिएक्टिविटी के ऊपर, एक सवाल तुम्हारे टेस्ट एग्जाम में भी डाला था उस कंसिडरेशन के ऊपर, मतलब बिल्कुल एलिमेंट्री पार्ट रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 52। तब तुमको समझ में आएगा कि एसिड डेरिवेटिव में हम लोग जो कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे रिएक्टिविटी के ऊपर वो क्या चीज बोल रहे थे, ये वैसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 52 के बाद
अच्छा एक चीज तो बताना ही भूल गए तुम लोगों को, एक मिनट एक चीज बताना भूल गए, SN1 रिएक्शन के बाद एक और चौथा रिएक्शन हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, SN2 रिएक्शन, ये तो बताना ही भूल गए हम। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं RMGX, और ड्राई इथर तो दे ही रखा है, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 रिएक्शन होने के बाद हम लोगों का R डैश वाले पार्ट पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ से जो आ रहा है उस चीज को डैश कर सकते हैं। ये हम लोग का चौथा रिएक्शन SN2 रिएक्शन कंसिडर किया जा सकता है, नोट कर लो कॉपी में। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग RMGX के साथ कराए तो अल्काइल हैलाइड का हैलोजन वाला पार्ट रिप्लेस हो गया, SN2 रिएक्शन बहुत दिन तक पढ़ाई किया तो आराम से इस चीज को देख सकता है। और उसके बाद क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां से तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू हो गया है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 70 पूरा सॉल्व कर सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 70 में लास्ट क्लास में केवल ए पार्ट दिया था, अभी ए बी सी सारा सॉल्व कर सकते हैं। 69, 70, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इधर हाइड्रोजनेशन दे रखा है इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज टू वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 83, 84, 85, 86, 102, अच्छा सवाल है, 102, 103, ये भी ठीक ठीक सवाल है, 106, 107, 110, 100, सॉरी एक्सरसाइज टू के पार्ट वन का क्वेश्चन नंबर 43, एक्सरसाइज टू पार्ट वन क्वेश्चन नंबर 43, एक्सरसाइज थ्री के पार्ट वन का क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट टू में, क्वेश्चन नंबर 29, 31, इसी सवाल की बात कर रहे थे, साइनाइड का एडिशन हुआ फिर हाइड्रोलिसिस हुआ तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ट्राई करके देखने हैं सवाल को। 31, 33, 34 ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसे नहीं है, भले ही यहाँ हाइड्रोलिसिस दे रखा मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, बट है SNAE का ही पार्ट, दिमाग लगा के देखना है इस चीज में। 35,
इस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग पार्ट थ्री में क्वेश्चन नंबर 24 एक अल्कोहल वाला पार्ट CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराने पे हम लोगों को CH4 लिबरेट करा रहा है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इस टाइप का कर सकते हैं आराम से जो कि तुम्हारे मोल कंसेप्ट में भी दे रखा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 24, 26, 27 फॉस्जीन का स्ट्रक्चर अपने NCERT के अल्काइल हैलाइड टॉपिक में सर्च करना उसके रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है वो भी वहां पे मालूम पड़ेगा बट NCERT में सर्च करके देखना फॉस्जीन से रिलेटेड एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोग को सर्च करना है मजा आएगा सर्च करके कॉम्प्रिहेंशन 8 देख के तो लग रहा है कि बनाने लायक है हाँ बनाने लायक है कॉम्प्रिहेंशन 8 काफी अच्छा सवाल है दिमाग लगा के देखना कॉम्प्रिहेंशन 8 ठीक है इतने क्वेश्चन ट्राई करके देखना बाकी एक वर्कशीट जो मिलेगा उसको तो ट्राई करना वर्कशीट में ज्यादा क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग SN2 रिएक्शन सारे के सारे क्वेश्चंस को ढंग से ट्राई करना और कहीं पे भी वर्कशीट में अगर डाउट होगा अलग से पूछना होगा तो अलग से डाउट क्लासेस लेने का टाइम ले सकते हैं मेरे से और कहीं पे भी शुरू से लेके अभी तक डाउट है अगर तुम लोगों को शुरू से अभी तक मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से लेके अभी तक का कहीं तक के पार्ट में कोई डाउट है तो आराम से पूछ लेना क्योंकि अभी तक का जो रिएक्शन मैकेनिज्म था ये मोस्टली न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड था नेक्स्ट क्लास के बाद से जो रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू होगा मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद से बात की कर रहे हैं तब उस केस में इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड मोस्टली रिएक्शंस होंगे तो अभी तक का दिक्कत जो भी है उसको खत्म कर लो एक वीक के अंदर उसके बाद हम लोग नए पार्ट में आराम से मूव करेंगे अब थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म आएगा स्टेप्स में कुछ बहुत ज्यादा नए नहीं आएंगे एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे हम लोग जिसको डाउट क्लास लेना होगा आराम से डाउट क्लास